टंडवात में एहसास प्रोग्राम सेंटर पर काम करने वाले नौजवान में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 18 तक पहुंच गई। शहर को मुकम्मल सील करने का फैसला फौज तलब कर ली गई। टंडवात में एहसास प्रोग्राम सेंटर पर काम करने वाले 18 अफराद की कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से लोहार गली के 26 साल नौजवान शर्जील शराजी में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद उसे आइसोलेशन सेंटर सांगड़ मुंतकिल कर दिया गया। इस तरह टंडवात में कोरोना के मरीजों की तादाद 18 हो गई है। मकामी सतह पर बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बाद इंतजामिया ने टंडवात में लॉकडाउन को मजीद सख्त करके पूरे शहर को सील करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर टंडवात में इजाजत जतोई के ऑफिस में एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें पाक फौज के मेजर उमेर रेंजर्स के DSR शफीक, DSP टंडवादम मुमताज, बुक टीम मुख्तियार का टंडवादम नवीबख्श सोलंकी, SHO सिटी हाजी असलम बुल्लो ने शिरकत की। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर टंडवादम इजाजत जतोई ने मीडिया को बताया कि टंडवादम में मकामी सतह पर कोरोना फैलना बड़े खतरे की बात है, इसलिए लॉकडाउन को मजीद सख्त करके शहर को मुकम्मल तौर पर सील करेंगे। उन्होंने बताया कि फौज को भी मदद के लिए तलब कर लिया है, अगर हालात कंट्रोल में नहीं आए तो फिर कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। सांगड़ न्यूज़, राणा मोहम्मद सुलेमान।